कराची का रुख करेंगे। मोहम्मद अरशद मौजूद है वहां पर। अरशद, बताइए कि इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कागजात नामजदगी के हासिल और हसूल के लिए और उसको जमा कराने के लिए 3 दिन का जो है वो वक्त दिया गया था और आज आखिरी दिन है और आज के दिन वो कागजात नामजदगी जो है उसका हसूल भी किया जा सकता है और उसको जमा भी कराया जा सकता है। तहम 4:30 बजे तक का जो है ये वक्त है। अब तक अगर कराची की हम बात करें तो कराची की 22 कौमी असम्बली की नशस्तें और उसके साथ साथ सूबाई असम्बली की 47 नशस्तें, इन तमाम तर नशस्तों के ऊपर अब तक तमाम तर जो कराची के 7 अजला हैं वहाँ पर सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल किए गए और उस पर कागजात नामजदगी जो है वो जमा भी कराए गए। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मौजूद हैं। अगर जब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करें तो इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 4 कौमी असम्बली की नशस्तें जबकि इसके साथ साथ 9 सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं। इन तमाम तर नशस्तों के ऊपर अब तक ज़िला बस्ती में 250 के करीब जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो जो है कागजात हासिल किए गए मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से, जबकि अब तक तकरीबन 33 जो है वो कागजात मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों की अरकान की जानिब से जो है वो जमा कराए गए हैं। अब से कुछ देर बाद ही जो है बताया जा रहा है कि हाफिज़ नईम उर रहमान जमात इस्लामी के वो भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के दफ्तर पहुँचेंगे और कागजात नामजदगी जो है वो अपने कागजात जो है वो जमा कराएंगे। अब इसके साथ साथ MQM के कन्वीनियर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो भी आज ज़िला बस्ती के दफ्तर पहुँचेंगे और अपने कागजात जो है वो जमा कराएंगे। आज क्योंकि आखिरी दिन है तो ये तवक्को की जा रही है कि आज उम्मीदवार जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आएंगे और तब अब तक जो इत्तला है वो ज़्यादातर उम्मीदवार जो है वो कागजात हासिल कर चुके हैं और आज ज्यादातर उम्मीदवार कागजात हासिल कर चुके हैं। कराची से मोहम्मद अरशद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।